दुर्ग जिले का सबसे पुराना कन्या विद्यालय अब अपनी बदहाली पर रो रहा है। हालत यह है कि जनप्रतिनिधि भी सिर्फ अपना आश्वासन किनारा काट ले रहे हैं, जहां अब सिर्फ पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। दुर्ग जिले का सबसे पुराना ख्याति आवासीय विद्यालय तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय है, जो 1948 से अब तक संचालित किया जाता रहा है, पर वर्तमान में ये भवन पुराना होने के कारण काफी जर्जर हो चुका है। बरसात में कमरों में पानी भर जाता है, छतों का प्लास्टर गिरने लगता है, कभी भी कोई भी भारी दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहती है, जिसमें 600 से करीब छात्राएं अध्ययनरत है, जो इस स्कूल की बदहाली को देख अपना भविष्य गढ़ रही है। बता दें कि अर्धशासकीय अनुदान प्राप्त कन्या विद्यालय में समय के साथ साथ बदलाव के लिए यहां के प्रबंधन और शिक्षक काफी चिंताजनक स्थिति में समाज के बड़े लोगों की मदद की राह देखने के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचकर अपनी फरियाद भी लगा चुके हैं, मगर सिर्फ आश्वासन और अनदेखी के चलते कोई भी इस कन्या स्कूल का सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। नतीजतन स्कूल प्रांगण में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहां अपना भविष्य गढ़ रही छात्राएं कमरे तक ही सीमित रह गई है। वहीं शहर विधायक महापौर के साथ ही स्थानीय पार्षद संजय कोहली भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे यहाँ पढ़ रही छात्राओं को परेशानियों का सामना करते देखे जा रहा है। ये तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय अशासकीय है, अनुदान प्राप्त विद्यालय है। यहाँ पे जो है जब बरसात में बारिश होती है तो पानी जो है ग्राउंड में भर जाता है, और कई बार जो है ज़्यादा बारिश होने पे क्लास में ही चले जाता है। एक्चुअल में क्या है सर, जो बारिश का पानी इस साल ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जो पानी की जो निकासी है वो पीछे जो है स्कूल के पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पर हो जाती थी, लेकिन मतलब विगत जो है दिनों से जो है लोगों ने क्या किया, वहाँ पे कचरा अपना डंप कर दिया है, तो जो पानी की निकासी वो बंद हो गई है, तो पानी जो है ग्राउंड में भर जा रहा है, क्लास में भी चले जाता है। उसकी कंप्लेंट जो है हमने महापौर से, कलेक्टर से, समिति से भी किया है, तो उन्होंने कहा कि ये पंप दिया, पंप के द्वारा जो है पानी निकालने के लिए किया है, और जो महापौर से हम लोगों ने किया था तो उन्होंने जो है अपने नगर निगम के जो है इंजीनियर को भेजा था, उन्होंने जो है पीछे जेबीसी मशीन लगा के कचरा हटाने की कोशिश की, लेकिन क्या है वहाँ पे गीला है, दलदल है, तो जेबीसी मशीन जो काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने ये कहा कि जब सूख जाएगा तब हटा देंगे मलबा को। इसके अलावा और आप लोगों ने क्या प्रयास किया जो बच्चों को किस तरह की यहाँ दिक्कतें होती है? बच्चों को दिक्कत यही ग्राउंड में हो रही है, मतलब पानी जब जाता है तो दिक्कत हो रही है, तो हम लोग जो है कॉलेज में बिल्डिंग है तो कॉलेज में जो है क्लास लगा देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।